नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो हम आए हैं सुबह खेत पे घूमने के लिए। तो देखिए, अब खेत पे से घूम के आके हम आ गए हैं घर, और उसके बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू भैंसों के नीचे। और खेत पे मैं सिवाय को भी लेके गई थी। सुबह सुबह मैं घुमा लाती हूँ खेतों पे, ठंडी हवा लगती है, सुबह का मौसम भी थोड़ा अच्छा रहता है, तो वो भी मेरे साथ घूम आता है। और अब कर दी है मैंने भैंसों के नीचे की पूरी सफाई, और भैंस बांध दी हैं दूसरी तरफ, यहाँ से हटा के यहाँ पे कर दी सफाई, और दूसरी तरफ मैंने भैंस बांध दी हैं। देखिए, तो देखिए सफाई सब हो गई है, और थोड़ा ऊपर भी यहाँ से मैं झाड़ू मार दूंगी। यहाँ रात नार खाती है रात में भैंस चारा, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी मैं सफाई कर दूंगी झाड़ू मार के। और देखिए, ये हैं बैंगन के पेड़, इन पे बैंगन काफ़ी आ रहे हैं, छोटे छोटे भी और बड़े भी, और लेकिन बिल्कुल भी इनमें कीड़ा नहीं है, और कोई हमने दवाई भी नहीं लगाई है, एकदम साफ बैंगन है। चार पांच पेड़ हैं ये बैंगन के, इन पे काफ़ी सारे बैंगन उतर आते हैं, आप देख सकते हैं। और ये करेले की बेल है, ये तोरी की बेल है, इन पे भी फूल आने शुरू हो गए हैं तोरी की बेल पे। ये शायद अक्टूबर नवंबर तक लगेंगे, उसके बाद फिर नहीं लगेंगे। छोटी छोटी तोरी भी लग रही हैं, देखिए। ये करीब 15-20 दिन पहले ही बोई थी। और देखिए, ये भैंस की कटिया है छोटी, आराम से बैठती है, भैंस भी आराम से बैठ रही है कच्चे में। इधर कच्चे में बांध दी थी उधर से, उधर सफाई करने की वजह से, तो कच्चे में बहुत जल्दी भैंस बैठ जाती हैं आराम करने के लिए। और ये देखिए मेरा पुदीना कितना घना और कितना सुंदर हो रहा है। ये थोड़ी सी जगह में मैंने बोया था, और ये करेले की बेल भी मेरी ऊपर चढ़ गई है, देखिए। अभी इस पे थोड़े थोड़े फूल आने लगे हैं एक दो। और ये मैंने ग्वाल और भिंडी बोई थी, तो देखिए निकल के आ रही हैं बाहर। इसके बाद मैं बना रही हूँ खाना। देखिए, आज हम बनाएंगे सादा भोजन है। ये बना रही हूँ मैं मक्का की रोटी, और इन्हें छाए में मेलेंगे और आपको दिखाएंगे। ये खाने में बड़ी टेस्टी लगती है। कभी कभी ये गांव में सादा भोजन हमारे घर में सभी को पसंद है, तो आप भी बताना कभी बना के खाना कि कैसा लगा। रोटी बना के इनको मेलेंगे और छाए में सभी मसाले डाल के तब खाएंगे। करनी तो ये बड़ा मुश्किल।
देखिए इनको कर रही हूँ मैं ठंडी, और ठंडी करके इन्हें मीट दूंगी और इसमें कर दूंगी छाय। के बाद थोड़ा धनिया और नमक, और ये जीरा भुना हुआ, और ये रोटी बहुत ही अच्छी लगती है और सेहत के लिए बहुत बढ़िया रहती है। और थोड़ा सा हींग भी डाल देंगे, और ये मेरे ससुर बहुत पसंद करते हैं ऐसी रोटी, और घर में सभी पसंद करते हैं सिवाय के बाबा भी, पहले बड़े बूढ़े थे ऐसे ही खाते थे, तो हमारे यहाँ भी खाते हैं। तो देखिए ये रोटी मैंने मीन दी है, देखिए, और इनको अब इसमें डाल दूंगी और 10 मिनट के लिए रख दूंगी और इसके बाद खा लेंगे। तो आज ये हमारा सादा सा भोजन बना है, आप भी कभी बना के देखना और फिर कमेंट करके हमें बताना कि आपको कैसा लगे, हमें तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए अब जो रोटी बची है मैं उनको भी बना लेती हूँ, तब तक हमारी ये रोटी फूल जाएंगी। तो देखिए खाना मम्मी जी बाबू जी के लिए दे आई हैं, उनको ये खाना बहुत पसंद है, जैसा कि मैंने बताया उनको बहुत पसंद है। और बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए हैं, रसोई की हो गई है पूरी सफाई। तो अब चलूँगी मैं पूजा करने के लिए, क्योंकि आज है एकादशी। तो देखिए मैं कर रही हूँ एक पूजा, सिवाय भाग रहा है भोग लगाने के लिए, और उसमें से एक मौसमी उठा ली है। ये बहुत ही चंचल है, बात बनाता रहता है हर टाइम। तो देखिए पूजा भी हो गई है और इसके बाद अब चाय वाय लेंगे। ये हैं कुछ मूंगफली, इनको घी में तल रहे हैं, और कुछ मखाने भुने हैं, और बनाए थे हमने लड्डू। और ये है आलू, चाय पियेंगे।
आज है हमारा एकादशी का व्रत। तो देखिए नाश्ता तैयार है। अब पियेंगे हम चाय, पूजा वूजा करके सब काम खत्म करके, और ये थोड़ा सा फलहार। तो अब हम फलहार करके अपना आराम करेंगे थोड़ी देर। तो आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पे खत्म। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।